तो हाय फ्रेंड्स, मैं आज आपको दिखाऊंगा गूगल एडसेंस अकाउंट में कैसे आपका बैंक अकाउंट लिंक करना है। तो इसके लिए आप यहां पे देखिए, राइट साइड में जो बैलेंस है इसके ऊपर क्लिक करना है आपको, और यहां पे देखा होगा व्यू पेमेंट्स, यहां पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा आपको वेट करना है, ये लोडिंग पे है अभी। और इस तरह आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं मेरे कितने डॉलर अभी जमा हुए हैं। और राइट साइड में देखिए हाउ यू गेट पेड, आप कैसे पेमेंट पा सकते हैं। उसके नीचे देखिए ऐड पेमेंट मेथड, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और इस तरह एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म में आपका जो डिटेल्स है वो भरना होगा, आपको केयरफुली भरना है, ठीक है, कोई भी मिस्टेक नहीं करना है वरना आपको दिक्कत हो सकती है बहुत। और यहाँ पे देखिए बेनिफिशियरी आईडी, ये ऑप्शनल है, आप भर सकते हैं तो भरिए और नहीं भरेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद नीचे देखिए नेम ऑफ बैंक अकाउंट, मतलब बैंक अकाउंट में आपका नेम कैसा है वही नेम आपको सेम भरना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बैंक नेम, आपका बैंक का क्या नाम है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए IFSC कोड, ठीक है, ये कोड आपको फिल करना है। उसके बाद ये जो स्विफ्ट BIC नंबर होता है, कोड होता है, ये भी एक कोड होता है ब्रांच का इंटरनेशनल पेमेंट रिसीव करने के लिए इसका जरूरत होता है। तो ये आप ब्रांच में विजिट करिए, मैनेजर से कॉन्टेक्ट कीजिए और बोलिए जे मुझको स्विफ्ट BIC चाहिए, स्विफ्ट कोड चाहिए, वो आपको प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद आपको अकाउंट नंबर फिल करना है। उसके बाद नीचे देखिए रीटाइप अकाउंट नंबर, मतलब वही अकाउंट नंबर दोबारा आपको फिल करना है। तो चलिए मैं फटाफट फिल कर लेता हूँ, तब तक मैं वीडियो को फास्ट कर देता हूँ। सब कुछ फिल करने के बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। ये अभी घूम रही है, आपको थोड़ा वेट करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो बैंक अकाउंट आपने फिल किया है वो बैंक अकाउंट फिल हो गया, पेमेंट मेथड ऐड हो गया। तो अब इस तरह आप बैंक आईडी को, बैंक अकाउंट को गूगल एडसेंस अकाउंट में लिंक कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।